Good morning, students. Today I am going to discuss chapter number 4, difficult words. First one, brave, 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 यानी बहादुर. हम लोगों को किसी भी सिचुएशन को कैसे फेस करना चाहिए? ब्रेवली फेस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. सेकेंड वन, ओवर कम, ओ वी ई आर ओवर सी ओ एम ई, ओवर कम, यानी किसी भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी को क्या करना, सक्सीड करना, उसे ऊपर उठना. जिस तरीके से जो लेखा थी वो अपने फियर ऑफ वाटर को क्या किया, उसने ओवरकम किया, वो पूरी तरीके से अपने वाटर के फियर को वैनिस्ट किया उसने, यानी कम्प्लीटली उसे खत्म कर लिया. अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और फियरफुल गर्ल बन गई. उसी तरीके से हम लोगों को भी अपने फियर को क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए. थर्ड नंबर, सिचुएशंस, एस आई टी यू ए टी आई ओ एन एस, सिचुएशंस. सिचुएशंस का मतलब होता है लोकेशन या सराउंडिंग्स किसी भी प्लेस का. जैसे कि द सिचुएशन ऑफ द टाउन इज प्लेजेंट, यानी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है टाउन का, वो क्या है, प्लेजेंट है, यानी अच्छा है. फोर्थ नंबर, सरप्राइज्ड, एस यू आर पी आर आई एस ई डी, सरप्राइज्ड. आप सभी लोगों को अच्छा लगता होगा सरप्राइज जब आपको मिलते हैं. जैसे कि ये एक फीलिंग होता है सडन, यानी अचानक होने वाला अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, कोई अपीयरेंस हो सकता है, इट कैन बी एनी स्टेटमेंट और इट कैन बी गिफ्ट ऑल्सो. कोई अगर आपको गिफ्ट देता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा गिफ्ट मिल सकता है, देन आप क्या करते, चौंक जाते हो, इजंट इट? यस, तो उसे हम लोग कहते हैं सरप्राइज्ड. फिफ्थ वन, एक्सपर्ट, ई एक्स पी ई आर टी, एक्सपर्ट. एक्सपर्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट और स्किलफुल इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक ऐसा पर्सन जो कि अपने सब्जेक्ट या अपने जिस भी फील्ड में होता है उसको बहुत सारे नॉलेज होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, और स्किलफुल होता है किसी भी चीज में. जैसे कि डॉक्टर्स भी बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं. जैसे कि कुछ डॉक्टर्स फिजिशियन होते हैं एंड सम आर सर्जियंस. तो सर्जियंस क्या होते हैं, वो अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं, और जो फिजिशियन होते हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, यानी उन्हें पूरा नॉलेज होता है किसी भी अपने पर्टिकुलर एरिया के बारे में. यानी अगर फिजिशियन है तो उन्हें पूरा नॉलेज होगा अपने फिजिशियन अपने एरिया का. नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिडेंट, सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी, कॉन्फिडेंट मीन्स फीलिंग श्योर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज. यानी हम लोगों को कॉन्फिडेंट होता है अपने ऊपर और अपने एबिलिटीज पे. जिस तरीके से लेखा जब एक एक्सपर्ट स्विमर बन गई और उसका जो फियर है वाटर का वो जब खत्म हो जाता है, देन शी बीकेम अ मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस फियरफुल गर्ल. यानी उसे कॉन्फिडेंट आ गया, अब वो उसे वाटर से डर नहीं लगेगा. नेक्स्ट वी हैव वैनिस्ड, वी ए एन आई एस एच ई डी, वैनिस्ड. वैनिस्ड का मतलब होता है डिसअपियर होना. अचानक से अगर कोई चीज डिसअपियर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैनिस्ड होना. तो क्या हुआ था, लेखा जो थी फियर किससे करती थी, वाटर से, और जब वो एक्सपर्ट स्विमर बन गई तो उसका जो वाटर का फियर है वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया, यानी वैनिस्ड हो गया, और वो क्या बन गई, लेस फियरफुल गर्ल. अब उसे पानी से डर नहीं लग रहा था. नेक्स्ट वी हैव ट्रेम्बलिंग, टी आर ई एम बी एल आई एन जी, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग. शेकिंग किसके वजह से हो सकता है, इट कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइटी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट ऑल्सो. जैसे कि एग्जाम्पल से, द फोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई ट्रेम्बलिंग हैंड्स, यानी हमारा हैंड शेक कर रहा था और क्या हो गया, उससे हमारे फोन क्या हो गया, स्लिप कर गया हमारे हैंड से. नेक्स्ट टीज, टी ई ए एस ई, टीज. टीज करना यानी फन
किसी का मजाक उड़ाना, मेकिंग फन इन अ प्लेफुल वे, या फिर लाफ करना किसी के ऊपर, ठीक है, जोक्स करना, इजंट इट, तो यानी किसी को चिढ़ाना, वो क्या कहलाता है, टीज करना। नेक्स्ट प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है यानी इज प्रेजेंट इन अ प्लेस, यानी प्रेजेंट का मतलब हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, देन ओनली यू गो फॉर राइडिंग, अगर आप राइड करना चाहते हो तो आप व्हीकल को, तो आपको किसके प्रेजेंस में करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में, यानी उनकी मौजूदगी, दैट इज नोन एज प्रेजेंस। यानी कोई भी काम जो ऐसा है जो आपको नहीं करने आता है और आप चाहते हो किसी की हेल्प, देन यू शुड डू इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, और या फिर उनकी हेल्प से आप किसी भी काम को कर सकते हो, दैट इज नोन एज प्रेजेंस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल लर्न दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड यू विल राइट इट डाउन इन योर क्लास कॉपी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।